लखनऊ में लाइट की समस्या को लेकर जनता द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन, बिजली घर के सामने रोड पर जाम लगाकर किया जा रहा धरना प्रदर्शन, पूरी रात बिजली गुल होने की वजह से जनता हुई परेशान, बिजली विभाग के अधिकारी अपने ही कर्मचारियों का नहीं उठाते हैं फोन, जाम लगने से आने जाने वाले लोगों को हुई परेशानी, 80 साल के बुजुर्ग ने रोड पर लेट के किया धरना प्रदर्शन, कल शाम 6 बजे से मेहंदीगंज, भवानीगंज, त्रिवेणी गंज, गणेशपुरी कॉलोनी में बत्ती है गुल, पूरा मामला टिकट राय तालाब के पास का। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है भवानीगंज, मेनीगंज और गणेशपुरी कॉलोनी में एक हफ्ते से बत्ती आई है, जाया करती है, कल से गई है जो आई नहीं है, और आती है तो 10 मिनट के लिए 2 घंटे गायब हो जाती है। इसके विषय में कई दफे यहाँ कहा जा सकता है और यहाँ लोग जो है अधिकारी जो है कान में रुई डाले बैठे रहते हैं। क्या अब हम लोग बुजुर्ग 78 साल के हैं, अनशन पे बैठना हमको मजबूरन पड़ गया। मैं हार्ट के मरीज हूँ, कोई भी बात अगर हो जाएगी तो इनकी तनख्वाह से सब काटा जाएगा। ये सिवा चूतिया बनाएंगे, आज केबिन नहीं, आज ट्रांसफार्मर नहीं, यही महीनों से गुजार रहे हैं। और बिल जो है एक महीने का अगर एक दिन भी ज़्यादा हो जाएगा तुरंत जो है बिजली बंद कर दी जाएगी, कोई समस्या नहीं है। कह रहे ऊपर से शासन से हमारे पास कोई मिटीरियल नहीं है।